नमस्कार फ्रेंड्स, आज की ब्रीफिंग में हमारे साथ हैं हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण जी, वी हैव DGICMR डॉक्टर बलराम भार्गवा जी, जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर लव अग्रवाल। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेक्रेटरी साहब से कि पहले ब्रीफिंग शुरू करें। सर, नमस्कार। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं देश और राज्यों में कोविड की जो स्थिति आज है, लेकिन पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं। सबसे मुख्य बात ये है कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 38,50,000 से ज़्यादा हो गई है। ये विश्व की हाईएस्ट संख्या में से एक है। जो दो प्रमुख वेबसाइट हैं उनमें से एक जो जॉन्स हॉपकिंस की वेबसाइट है उसके हिसाब से ये विश्व की हाईएस्ट रिकवरी की संख्या है। इसके अलावा इस वीक में हमने अब तक 5,80,00,000 टेस्ट किए हैं और ये इसलिए संभव हो पाया है कि आईसीएमआर के डीजी और सचिव डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने देश भर में टेस्टिंग कैपेसिटी का विस्तार किया है, इस वजह से 5,80,00,000 टेस्ट संभव हो पाए हैं। पिछले सप्ताह हमने कुल 76,00,000 टेस्ट किए, 7 दिन में 76,00,000 टेस्ट व कंडक्टेड। और जो एक्टिव केसेस हैं देश भर में, जो एक्टिव केस हैं जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर, वो कुल केसेस के केवल 1/5 हैं। दे आर 1/5 ऑफ द टोटल केसेस। एक्टिव केसेस आर 1/5 ऑफ द टोटल केसेस। अब मैं देश में क्या स्थिति है वो आपको बताना चाहूँगा। आप ये देखेंगे कि 14 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी 5,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। There are 14 states and union territories in the country where the total number of active cases are still less than 5,000. There are 18 states and UTs in the country where the total number of active cases are between 5,000 and up to 50,000. Kul 18 rajya aur sangh shashit kshetra aise hain desh mein jahan एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 से लेकर 50,000 तक है, और केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से अधिक है। देयर आर ओनली 4 स्टेट्स इन द कंट्री वेयर द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इज मोर देन 50,000। तो ये पूरे देश की स्थिति को हम संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी भी 5 राज्य हैं जहां देश के 60% एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में 29.5%, 29.5% ऑफ द टोटल एक्टिव केसेस इन द कंट्री आर कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र। 9.9 ऑलमोस्ट 10% केसेस आर इन कर्नाटका, 9.4 आर इन आंध्र प्रदेश, 6.8 आर इन उत्तर प्रदेश, 4.7 आर इन तमिलनाडु एंड रिमेनिंग 39.6% आर इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज। तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केसेस हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 29 से कुछ ज़्यादा प्रतिशत केस हैं, कर्नाटक में लगभग 10% हैं, आंध्र में 9% से कुछ ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में 6.8% है और तमिलनाडु में 4.7% है। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रत्येक सप्ताह इन राज्यों में नए केसेस की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं ये 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक के आंकड़े हैं नए केसेस के, वीक ऑन वीक बेसिस। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर हम प्रतिदिन प्रत्येक राज्य में कितने केस हो रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं,
प्रति सप्ताह कितने केस हो रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, क्यूमुलेटिवली कितने केस हुए उसको ट्रैक करते हैं। तो इसे अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि महाराष्ट्र में जुलाई के पहले सप्ताह में नए केसेस की प्रतिदिन होने वाली संख्या लगभग 6000 थी, जो अब बढ़कर 21900 से कुछ अधिक हो गई है। यानी जो क्लियर ट्रेंड है वो प्रत्येक दिन केसेस के बढ़ने का है। अगर आप कर्नाटक को देखें तो वहाँ कुछ स्टेबलाइजेशन नज़र आता है। पिछले 3 सप्ताहों में पहली जुलाई से लेकर लगभग 25 अगस्त तक या उससे कहिए 18 अगस्त तक केसेस लगातार बढ़ रहे थे, फिर घटे और अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आप देखें तो वहाँ सप्ताह दर सप्ताह प्रत्येक वीक में केसेस की संख्या बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में लगभग कर्नाटक की तरह पिछले 3 सप्ताहों में कुछ स्टेबिलिटी आई है प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में। तमिलनाडु में हमें डिक्लाइन कुछ दिख रहा है, इनिशियल साइंस ऑफ अ डिक्लाइन इन तमिलनाडु इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू केसेस वीक ऑन वीक। तो ये हम आपसे साझा करना चाहते थे ये जानकारी, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो इस तरह का जो ग्रैनुलर डिटेल है, जो सप्ताह दर सप्ताह कैसे संख्या बदल रही है, उसकी ओर हमारा ध्यान सामान्यतः नहीं जाता है, तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं यही चीज़ आपको प्रतिदिन होने वाली मृत्युओं की ओर आकृष्ट करके बताना चाहूँगा। अगर हम डेली एवरेज डेथ्स देखें, जो 5 राज्य हैं जिनके बारे में अभी हमने नए केसेस का जिक्र किया वहाँ, तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ये बढ़ रहा है लगातार, जहाँ जुलाई के पहले सप्ताह में लगभग 202 मृत्यु औसतन प्रतिदिन होती थी, वो अब बढ़कर 409 हो गई हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे जिस प्रकार नए केसेस में कुछ स्टेबिलिटी के साइन नज़र आ रहे थे, ये अब कुछ स्टेबिलिटी के आसार यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ जुलाई के पहले सप्ताह में प्रतिदिन केवल 19 मृत्यु हो रही थी, वहाँ अब ये प्रतिदिन मृत्यु बढ़ गई हैं और लगभग 70-73 के लगभग पहुँची हैं। आंध्र प्रदेश में हमें अर्ली साइंस ऑफ डिक्लाइन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में दिखाई दे रहे हैं पिछले 3 सप्ताहों से। उसी प्रकार तमिलनाडु में भी पिछले 4 सप्ताह से हमें साइंस ऑफ डिक्लाइन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी भारत विश्व में सबसे कम प्रति मिलियन पॉपुलेशन वाले देशों में है। हमारे यहाँ 3500 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं, जबकि अन्य देशों में ये 5000 से लेकर ऑलमोस्ट 22000 प्रति मिलियन तक हैं। उसी प्रकार अगर आप डेथ प्रति मिलियन देखें तो यहाँ भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है। हमारे यहाँ 58 मृत्यु प्रति मिलियन होती हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में 128 से लेकर लगभग 600 से कुछ अधिक मृत्यु प्रति मिलियन हो रही हैं, जो कि हमारी संख्या की तुलना में 10 से 11% गुना ज़्यादा है। 10 times or 11 times more than the death that we are reporting. ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो एक्टिव केस हैं, जो अस्पताल में हैं या आइसोलेशन में हैं, वो अभी भी केवल 20% हैं, जबकि 78% वो केसेस हैं जो रिकवरी हो चुकी है और वो अपने अपने घरों में हैं, सकुशल हैं। ये 38 लाख से ज़्यादा, 38.5 लाख के लगभग केसेस हैं और 9,90,000 हैं जो एक्टिव केसेस हैं। ये मैं टेस्टिंग के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं वो ये है कि लगातार हमने पाया है कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ी है। आप देखेंगे कि 7 जुलाई को हमारे 1 करोड़ टेस्ट थे देश भर में, और हमें 27 दिन लगे 1 करोड़ टेस्ट और बढ़ाने में,
तो 1 करोड़ से 2 करोड़ टेस्ट तक पहुंचने में हमें 27 दिन लगे. वी टुक 27 डेज टू एड 1 करोड़ टेस्ट्स फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़. हाउएवर वी टुक ओनली 10 डेज टू जंप फ्रॉम 4 करोड़ टेस्ट्स टू 5 करोड़ टेस्ट्स. 5 करोड़ टेस्ट से 4 करोड़ टेस्ट से 5 करोड़ टेस्ट जाने में हमें 10 दिन लगे, जबकि 1 करोड़ से 2 करोड़ जाने में 27 दिन लगे. इसका अर्थ ये है कि हमने बहुत तेज गति से न केवल अपनी RT-PCR की क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी संख्या को भी बढ़ाया है, ताकि राज्य सरकारें एक से अधिक स्रोतों से रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्राप्त कर सकें. ये एवरेज डेली टेस्ट कंडक्टेड हैं. अगर आप साप्ताहिक आधार पर देखें तो 29 जुलाई से 4 अगस्त का जो सप्ताह था उसमें लगभग 5,04,266 टेस्ट होते थे, और जो पिछला सप्ताह अभी गुजरा है उसमें 10,94,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं. तो ये भी अप्रत्याशित वृद्धि है हमारी टेस्टिंग की क्षमता में. इसमें राज्य सरकारों का सहयोग मिला है, ICMR ने तो खैर नेतृत्व की भूमिका इसमें निभाई है, और इसके अलावा भारत सरकार के जो केंद्रीय संस्थान हैं उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. हम बार बार आपके समक्ष ये बात रखते हैं और राज्य सरकारों के सामने भी रखते हैं कि जब हम टेस्ट्स की संख्या को देखते हैं तो उसे हमें पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए. द नंबर ऑफ टेस्ट्स दैट ए स्टेट और अ UT कंडक्ट्स हैज टू बी सीन इन टैंडम विद द रेट ऑफ पॉजिटिविटी रिपोर्टेड बाय दैट स्टेट और UT, बिकॉज टेस्ट नंबर्स ऑन इट्स ओन would not give any significant input to us. So therefore, the number of tests have to be seen with the kind of positivity that is being reported. If in spite of large number of tests being conducted, the positivity remains high, the state needs to ramp up the testing further. Is prishthbhumi mein, main ab is slide ko aapko samjhana chahunga. Aap dekhenge ki Delhi भारी तादाद में टेस्ट करता है, लेकिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.9% है. देश का जो पॉजिटिविटी रेट है, एवरेज पॉजिटिविटी, वो 8.4 है. तो हम चाहेंगे कि ये टेस्ट बढ़ें. हमने ये जानकारी दिल्ली प्रशासन को भी दी है. उसी प्रकार उड़ीसा में 24,95,000 टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी 6.2% है. वेस्ट बंगाल में 25,54,000 हुए हैं, वहाँ पॉजिटिविटी 8.1% है. और गुजरात में 29,00,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, पॉजिटिविटी 5.5% है. तो यानी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और गुजरात में जो पॉजिटिविटी रिपोर्ट की जा रही है वो देश के औसत पॉजिटिविटी से कम है, जो कि एक अच्छा साइन है. और इस टेस्ट के स्तर को, इस लेवल को इसी स्तर पर बरकरार रखा जाना बहुत आवश्यक है, ताकि पॉजिटिविटी को और नीचे लाया जा सके. अब अगर कर्नाटक को देखें तो वहाँ 38,59,000 टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी अभी भी 12% है. तो यहाँ हमने राज्य सरकार को ये परामर्श दिया है कि टेस्टिंग को और बढ़ाने की आवश्यकता है. बिहार में 43,00,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, पॉजिटिविटी 3.7% है, जो देश के औसत से काफ़ी कम है. आंध्र प्रदेश में लगभग 47,00,000 टेस्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिविटी अभी भी 12% से अधिक है. आंध्र प्रदेश सरकार को भी हमने ये परामर्श दिया है कि उन्हें टेस्ट्स और बढ़ाने की आवश्यकता है. महाराष्ट्र में 51,00,000 टेस्ट हुए हैं, उससे ज़्यादा ही हुए हैं, और वहाँ पॉजिटिविटी 21% है. मैंने जैसा निवेदन किया कि देश की पॉजिटिविटी 8.4% है ऑन एन एवरेज, महाराष्ट्र की 21.5 है. तो यहाँ भी हमने ये निर्देश दिया है कि टेस्ट्स को और बढ़ाने की आवश्यकता है. तमिलनाडु में पॉजिटिविटी 9.2 है, वो 58,00,000 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं. उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी 4.5 है, ये 70,00,000 टेस्ट्स कर चुके हैं. एक और तथ्य यहाँ महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और DG ICMR और मैंने संयुक्त रूप से पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है, और हमने अलग से जो हम उनसे वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं उसमें भी ये बात दोहराई है
कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग सिम्टोमेटिक नेगेटिव आते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में, उनको आवश्यक रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाने हैं, और अगर वो छूट जाते हैं तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि वो अपने कम्युनिटी में, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में इन्फेक्शन को, संक्रमण को फैलाते रहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चेज द वायरस की फिलॉसफी पर यकीन रखते हैं, बट टू चेज द वायरस इट इज़ नेसेसरी दैट यू मस्ट कैच द मिसिंग पर्संस। यू कैन नॉट चेज द वायरस बाय लेटिंग द मिसिंग पर्संस गो। और ये मिसिंग पर्संस कौन है? ये मिसिंग पर्संस वो हैं जो सिम्टोमेटिक नेगेटिव थे रैपिड एंटीजन टेस्ट में और जिनको हम आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं दे पाए। तो इसकी तरफ हम राज्यों का ध्यान लगातार आकर्षित करते रहते हैं। ये तथ्य है जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब हम बहुत तेजी से अपने केसेस में रिकवरी देख रहे हैं। देश में इस समय 38.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कि संक्रमण हुआ और जो अच्छे भले हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घरों में हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि 10 लाख से 15 लाख रिकवरी का लक्ष्य पाने में हमें 11 दिन लगे, लेकिन 30 लाख से 35 लाख की रिकवरी 7 दिन में देश में हो गई। तो रिकवरी की जो दर है, द रेट ऑफ रिकवरी डे ऑन डे इज ऑल्सो शोइंग एन इंक्रीज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आई थिंक वी कैन टेक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। 20 सर, मैं वैक्सीन का स्टेटस जानना चाहूँगा, इंडिजिनस और जो ऑक्सफोर्ड है, दोनों का बता दीजिए। आप बताएंगे? जैसे कि आपको मालूम है कि 3 वैक्सीन भारत में क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में है, इसमें कैडिला, भारत बायोटेक और सीरम, 3 कंपनियों के वैक्सीन है के ट्रायल में है। पहला कैडिला का फेज़ वन कंप्लीट हो गया है, फेज़ 2 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है, मगर कैडिला का ट्रायल में 3 डोज लगते हैं 28 दिन के अपार्ट, तो उनके 3 डोज बाकी हैं। भारत बायोटेक में फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, उसके रिजल्ट्स एनालाइज हो रहे हैं, फेज़ 2 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है और उनकी 2nd डोज लगना बाकी है। 6 और सीरम इंस्टीट्यूट की फेज़ 2B/3 ट्रायल जो है, उसके पहले 100 मरीज हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, फिर उसके बाद उनका 7 दिन का उनका पॉज था, क्योंकि वो फेज़ 3 शुरू करना चाहते हैं 1500 मरीजों में, 14 साइट्स में भारत में, वो अब शुरू हो जाएगा जैसे ही क्लियरेंस आ जाएगा। 6 जितेंद्र हूँ सर, DD न्यूज़ से। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के स्टडी हुई ICMR में, उसमें यह है कि मृत्यु दर में कमी लाने में फायदेमंद नहीं है। बावजूद इसके सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स में बाकी जगह भी प्लाज्मा के बैंक खुल रहे हैं, डॉक्टर्स प्लाज्मा के लिए लिखते हैं, पेशेंट इधर से उधर भटकते हैं उनके इतिमारदा, तो प्लाज्मा के क्या कुछ फ़ायदे हैं? कमी नहीं है तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी इज़ अ थेरेपी दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर मोर देन 100 ईयर्स नाउ in some form or the other for various virus infections. It was used in Ebola, it was used in other viruses, it has also been used in COVID. Having said that, whether it benefits or not is being studied, and for studying anything, they have to have a randomized controlled trial. Now the randomized controlled trial that have contributed tremendously in this COVID are basically one from the recovery trial from Great Britain, which clearly showed that corticosteroids are working. That was a randomized control trial. Then there was a randomized control trial done in USA called the ACT-1, which showed that remdesivir reduces the hospitalization from 15 days to 11 days. Now from India has also contributed internationally by this largest randomized trial, where they have done 464 patients in 39 hospitals in 25 districts
across 14 states and union territories and have shown that it does not reduce mortality or prevent the progression from moderate to severe disease. Having said that, this is a preprint version which is still undergoing peer review. Once the peer review happens and we get the full publication out, this data will be considered again by the National Task Force and the Joint Monitoring Group of Ministry of Health, and a decision will be taken whether we should continue with this, because at the moment we have got off-label use for plasma therapy in India and emergency use authorization in the United States of America for plasma therapy. There are a few cases where some reactions can occur, and that is why we will take a considered view once we get the full publication of this study. Number 36. My question is to the Health Ministry. So on May 11th and May 3rd, 2020, it was reported that the total number of cases are about 79,230 and 49,720 on these dates. This was reported by the ICMR, but the Health Ministry reported on the same date the cases 67,152 and 40,263. So there is a difference of at least 10,000 cases reported by both. So could you please kindly explain what is the reason for this difference? Is there a technical reason that you see, has just not one been minute. Considered? You are referring to the data of May, and let I think me, my me, water has flown. Let me answer that question, because it's a generic issue. Let's not focus on a specific date of, say, May or June or July. Whenever you maintain large databases, which are fed on real-time basis by, you know, 30-odd states and other union territories, then you, on a daily basis, have data discrepancy, which are immediately addressed. So it's a dynamic, ongoing process. Data discrepancies do happen, but are addressed again on a daily basis. And ICMR, ministry's team, as well as the team of the states and UTs, together in a collaborative manner address this. Number 13. So the sero survey results that have been published show that India probably missed something like 3.5 lakh cases by May, whenever the sero survey covers. So what I want to know, sir, and there were, I think, about 8 lakh infections in zero case districts. So what I want to know, sir, is there must have been some failings you've identified in contact tracing, testing, all of that. How are we going forward? How are we modifying our strategy so that we don't repeat those mistakes that we made before May? Will you answer? I can start. And then DG ICMR can supplement. You see, we must need to understand why do we do sero survey, and how is sero surveillance different from actual testing figures that we get. Once we get that clarity in our mind, then maybe we will not be doing a one-to-one comparison between the figures of daily testing and the figures that are reported by sero surveillance. When we do daily testing, जब हम प्रतिदिन टेस्ट करते हैं तो हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कितने लोगों के शरीर के भीतर एंटीजन है, संक्रमण है, बीमारी है. वो उद्देश्य है आरटीपीसीआर टेस्ट का या रैपिड एंटीजन टेस्ट का. जब हम सीरो प्रेवलेंस करते हैं तो हम एक सैंपल चुनते हैं और उस सैंपल में लोगों का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड में देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं. हम संक्रमण की पहचान नहीं कर रहे, हम एंटीबॉडीज़ की पहचान कर रहे, और एंटीबॉडीज़ के आधार पर तब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि संक्रमण का प्रभाव कितना रहा होगा, यानी कितने लोगों को संक्रमण हुआ और वो रिकवर हो गए और उसके फलस्वरूप उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी. ये बैकग्राउंड है. इसलिए इन दो आंकड़ों को वन टू वन कंपैरिजन करना संभवतः हमें गलत नतीजों की तरफ ले जाएगा.
So having provided you the background, now I would request DGICMR to elaborate. See, I think we should have good clarity on what is the purpose of a serosurveillance. The purpose of it is an epidemiological tool. We can do serosurvey, then we have surveys of sewage water. So these are all tools which give the prevalence or the trend of what is the state of the epidemic in that area or in that country or in that district. One serosurvey alone will never help. And if you look at the Geneva serosurvey, they did one every week for 5 weeks, and that was published in Lancet, and they did not show much change. Similarly, we have been doing, the various states have been doing serosurveys, and they have been giving us some data. And the national serosurvey, which we did in April, May, is being repeated now after 3 months, and we've completed that for 68 out of the 70 districts. Analysis is being done, and we should have the results this month for the second serosurvey, and then we can compare the two. The second point also to, important point to remember is that from a serosurvey, we can also get an estimate of what is called as infection fatality rate. And if you look at the results of that serosurvey, the infection fatality rate was anywhere between 0.5 to 0.6, and that was again much, much lower than what was internationally. Most of the countries had, whether it be Europe or in America, had an infection fatality rate of 1.2, 1.8. So that is another indicator, but these are all indicators, and we should not go by exact, they are just to guide how we have to do. Sir, we have a question on oxygen shortage. We are hearing about acute shortage of oxygen in different states, and there have been deaths due to lack of oxygen supplies. Is the central government planning on intervening to ensure the supplies of oxygen? What is the planning of the government? ऑक्सीजन दो प्रकार की होती है, एक जो इंडस्ट्री में उपयोग की जाती है और दूसरी जो अस्पतालों में मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है उसको LMO कहते हैं, पॉपुलरली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, और जो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कहलाती है. देश की प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 6,900 मेट्रिक टन है. ये आज की क्षमता है. टुडेज कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री इज स्लाइटली मोर देन 6,900 मेट्रिक टन. अगर आप आज सुबह के आंकड़े देखें, जितने लोग ऑक्सीजन पर थे कोविड की वजह से, तो 3.69% वर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, 2.17 वर ऑन ICU बेड्स विच आर अगेन with oxygen, and 0.36% were on ventilator support, which is again with oxygen. So if you add these three categories, you roughly get around 6% people who were on oxygen beds, whether in ICU or on ventilators or in oxygen supported beds. So what was the oxygen which was being consumed by these people, plus the oxygen that is consumed by non-COVID essential health services, where you also have certain surgical procedures. So if that is taken again, today's morning figure, that is 2,800 metric ton on a daily basis. And if you look at the industry's production in the country, and their requirement for oxygen, it is 2,200 metric ton. So 2,800 metric ton for COVID and non-COVID health use, 2,200 metric ton for industrial use, that gives you a total of 5,000 metric ton consumption per day, and a headroom of 1,900 metric ton. So speaking at the national level, there is absolutely no shortage of oxygen. In fact, there is a surplus today morning of 1,900 metric ton. Then what is the problem? The problem happens when at a facility level, aspatal ke star par, if you do not have inventory management,
आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक राज्य ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अस्पताल के स्तर पर ऑक्सीजन का इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, पॉसिबल स्टॉकआउट्स के अलर्ट जनरेट हों ताकि ऑक्सीजन को रिप्लेनिश किया जा सके। राज्यों को जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो दो माध्यमों से प्राप्त होती है। एक, ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं जो हो सकता है उसी राज्य में हों या किसी और राज्य में हों, और दूसरे स्टील प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ भी राज्यों के या अस्पतालों के एग्रीमेंट होते हैं। तो ये प्रत्येक राज्य को सुनिश्चित करना है कि उनके यहाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो। अगर शॉर्टेज होने वाली है 2-3 दिन के बाद तो समय रहते हुए रिप्लेनिशमेंट कर लिया जाए। भारत सरकार से जो मदद राज्यों को चाहिए वो मांगी जाए। हमने राज्यों के साथ इसमें विस्तार से बैठकें की हैं। उन बैठकों में स्वास्थ्य सचिव के अलावा सचिव डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने भी भाग लिया है, क्योंकि उनकी भी इसमें भूमिका है। और हमने राज्यों को ये कहा है कि वो राज्य के स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाएं जो ऑक्सीजन की स्थिति की दैनिक मॉनिटरिंग करे। भारत सरकार के स्तर पर भी हमने एक वर्चुअल कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारी और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारी और पेसो के एक अधिकारी और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के दफ्तर से एक अधिकारी हैं। इनके नंबर और इनके ईमेल्स पब्लिक डोमेन में हैं, ताकि राज्य सरकारें या संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें या आम जनता भी अगर इस प्रकार की कोई जानकारी इस वर्चुअल कंट्रोल रूम को देना चाहे तो वो दे सकती है, ताकि ये उस पर कार्रवाई कर सकें। तो आज की स्थिति में हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऑक्सीजन की कमी है। आवश्यकता है कि राज्य इसकी सतत निगरानी करें और इसका रैशनल यूज़ करें। थैंक यू सर। 65 सर, मेरा ICMR से सवाल है। रशियन वैक्सीन को लेके अभी क्या उनका ट्रायल शुरू हो गया है, कंपनी डिसाइड हो गई है जो होना था हिंदुस्तान में? रशियन वैक्सीन, रशिया में वैक्सीन बनाने की हिस्ट्री इज़ गुड। दे हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेनी ईयर्स, सो दिस वैक्सीन ऑल्सो वी प्रज्यूम इज़ गुड। दे हैव पब्लिश्ड द फर्स्ट स्टडी ऑफ 76 पेशेंट्स इन द जर्नल लानसेट, विच इज़ शोइंग गुड इफेक्टिवनेस एंड गुड इम्यून एंटीबॉडी जनरेशन। दिस हैज़ बीन, देर इज़ डायलॉग गोइंग ऑन बिटवीन द, देर इज़ अ हाई लेवल कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर vaccines, and that is in dialogue with the Russian and the Russian diplomacy and the Indian diplomacy in Russia, and we are trying to work out mechanisms because they have not yet completed a phase 3 trial. They have started a phase 3 trial, but to do a phase 3 trial of a product from outside of the country has to go through the regular processes of clearances from the regulatory agencies in India, and once that happens we should be able to start that. 34 Hi, could you please clarify emergency use authorization for vaccines and what that might mean for us? Emergency use authorization is not only for vaccines, it's for drugs also, and it is a existing provision in the Drugs and Cosmetics Act of the country. Such provisions are there in the regulatory framework of other countries also. Now, having explained the rule position to you, the implication of emergency use authorization, it is an accelerated process which permits the regulator of a country to grant permission under emergency authorization, which is distinct from regular market authorization, which takes time, which requires more data on safety and efficacy to be shared with the regulator. One example would be US FDA giving emergency authorization to remdesivir. Similarly, emergency authorization to remdesivir was given by the Indian regulator also. The last part of your question, in respect of vaccine,
Presently, no one has applied for an emergency authorization, so therefore, the regulator does not come into the picture. Sir, another question. What percentage of patients facing post-COVID complication? Do we have any data on this? Sorry, what was the question? What percentage of patients is facing post-COVID complications? We do not have any centralized data on this, but we have received such information because our central government hospitals have encountered recovered patients who have come back with certain complications. And based on the information that we had and the technical inputs that we received from the JMG, which is a domain knowledge body headed by Director General Health Services, and the task force, which is again a domain knowledge body headed by DG ICMR and Dr. Paul, member health of Niti Aayog. Based on their inputs, we have recently issued a guidance note for post-COVID recovered patients, how to counter these complications and how to take precautions. 14. There have been cases and studies coming out from Ahmedabad, Noida, Bombay on reinfections. What is the ministry's stand on reinfection of COVID? Have you received any confirmed cases that you'd probably like to share now? Let's hear the scientific stand on reinfection. As you, as I said, I think it was asked in the last press conference also when the case from Hong Kong was described. So the reinfection is very, very rare with COVID, number one. Number two, we have seen reinfection occur with, and I had given the example of measles, that someone gets measles, he's supposed to be protected all his life from measles because he generates certain antibodies, which lasts, but we have seen reinfection occurring in measles as well. Similarly, we can have reinfection with the COVID, as has been described by the case in Hong Kong. And it is not a matter of serious concern. And these, whenever one point has been noted that whenever reinfection occurs, both the infections have been mild and therefore the reinfection occurs. 1.6. So Sneha from CNN News 18. I have just so many questions, so I really have to pick and choose. If you can answer two, please. I really request. One is... But so many questions, you can send it to ADG, we will answer each and every question, but sir, you can ask a question here. Yeah, sir, the second wave, are we having a second wave? If yes, when did the first wave end? If you could just explain that. Also from the Sero survey, what's your understanding of what happened in rural India in the month of May? I do not know what you mean by a second wave, but what I can say is that if you look at countries of Europe and the United States, they had a peak and then they came down. And during that peak, whether it was Spain or United Kingdom or Sweden or Italy, there were huge number of mortalities. And there was a peak which came down and then they had some second wave, which is recently occurring in those countries as well. Fortunately, we took learnings from that in India, and we were able to, what we call, distribute the curve. So I would say we distributed the curve in such a way that we did not have those deaths, that large number of deaths, and that was attributed scientifically because of the very effective lockdown that was held in the months of late March, April, and May, and therefore we were able to really distribute the curve. So we didn't really have a huge peak at all from that perspective. 33, do you have any question? No. Okay, last 13, I think that is also covered. So thank you very much, sir. Thank you, friends.